जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, और ये साबित किया है गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाय ने। जी हाँ, सुहास एलवाय का नाम हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक खेलों में वो देश का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि उन्हें बाइपार्टाइट कोटा के तहत अगस्त में जापान के टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक में एंट्री मिली है। वो देश के पहले ऐसे अधिकारी भी बन गए हैं जिन्हें पैरालंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिला है। आपको बता दें कि सुहास एलवाय वो तेज तर्रार आईएएस अफसर हैं जो हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले और कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री ले चुके सुहास एलवाय एक ऐसे आईएएस अफसर हैं जो 2016 में सबसे बेहतरीन सिविल सर्वेंट के खिताब से भी नवाजे जा चुके हैं। आपको बता दें, उन्होंने यूपी सरकार के प्लानिंग विभाग के विशेष सचिव की भी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अपनी इन्हीं चर्चाओं के चलते उन्हें नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, और ये जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी सुहास ललानिकेरे यथिराज ने पूरी जिम्मेदारी से निभाई। आपको बता दें, 2007 बैच का आईएएस अफसर सुहास एलवाय ने काफी दिनों तक क्रिकेट खेला, और उसके बाद उन्होंने आईएएस एकेडमी में ही बैडमिंटन खेलना शुरू किया था। लेकिन बैडमिंटन का खेल उन्हें ऐसा भाया कि उन्होंने पैरालंपिक गेम्स में कई मेडल अपने नाम कर लिए। जी हाँ, बतौर पैरा शटलर सुहास एलवाय ने साल 2016 में बीजिंग एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया, साल 2017 में तुर्किश ओपन में रजत पदक जीता, साल 2018 में जकार्ता एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीता, साल 2018 में नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, साल 2019 में आयरलैंड ओपन में रजत पदक हासिल किया, साल 2019 में तुर्किश ओपन में गोल्ड मेडल जीता, इसके बाद साल 2020 में ब्राजील ओपन में भी गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद पेरू ओपन में साल 2020 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जी हाँ, ये वो उपलब्धियां हैं जो डीएम सुहास एलवाय ने हासिल की हैं, और अब उनकी नजरें पैरालंपिक में हैं, और सभी को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।